नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। दुनिया के माचो मैन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, जो किसी से नहीं डरते, जो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को हकीकत देने के लिए विरोध में उठती आवाजों को भी नहीं सुनते। आर्टिक महाद्वीप में पुतिन अपने जिस ड्रीम प्रोजेक्ट को उतारने जा रहे हैं, दुनिया उसे पुतिन की तैरती तबाही का नाम दे रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तो हम रूसी राष्ट्रपति पुतिन के जिस ड्रीम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, उसका नाम है एकेडमिक लोमोनोसोव, जिसे पुतिन न्यूक्लियर पावर प्लांट बता रहे हैं। तो वहीं विरोधी इसे पुतिन की तैरती तबाही बता रहे हैं, जिसके तहत रूस से करीब 6500 किलोमीटर तक समुद्र के रास्ते शिप पर लादकर इस परमाणु संयंत्र को ले जाया जाएगा। असल में करीब 20 साल से रूस इस संयंत्र को आर्कटिक ले जाने की ताक में था, लेकिन इसे तैयार करने में वक्त लग रहा था, जिसे पुतिन ने अंजाम तक पहुंचाने की ठानी और 2 सालों के अंदर बचे काम को पूरा कर दिया। फिलहाल इस संयंत्र को करीब 472 मीटर प्लेटफॉर्म पर मुर्कमाक नाम की जगह पर रखा गया है और जल्द ही इसे रूस के पेवेक बंदरगाह से आर्कटिक के लिए रवाना कर दिया जाएगा। असल में पुतिन की नजर आर्कटिक महाद्वीप पर है। उनका मानना है कि इसमें काफी तेल, खनिज व गैस मौजूद है, जिसकी खोज लगातार जारी है, लेकिन खोज के लिए आवश्यक बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है और यह परमाणु संयंत्र इसी बिजली की कमी को पूरा करेगा। वहीं जो लोग पुतिन की इस न्यूक्लियर संयंत्र को तैरती तबाही का नाम दे रहे हैं, उनका कहना है कि इसे न सिर्फ पर्यावरण खतरे में आ जाएगा, बल्कि किसी भी तरह की उथल पुथल मचने से समुद्र के रास्ते पूरी दुनिया पर इसका असर भी पड़ सकता है, जिसके पीछे उन्होंने सोवियत संघ के उस परमाणु तबाही का हवाला दिया, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। साल 1988 में सोवियत संघ ने यूक्रेन में कुछ इसी तरह का न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया था, जिसके सेफ्टी टेस्ट के दौरान ऐसा धमाका हुआ कि रेडिएशन के चलते करोड़ों लोगों की जान खतरे में आ गई। एक तरफ रूस है, जो समुद्र के रास्ते अपने इस एंटी संयंत्र को आर्कटिक महाद्वीप में उतारना चाहता है, ताकि अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। वहीं पर्यावरण से जुड़े संगठन इसे तैरती तबाही के तौर पर देख रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन की नजरों में जहां ये एक महज न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो वही एक्सपर्ट्स के लिए वो तैरती तबाही है, जिसकी चपेट में पूरी दुनिया आ सकती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। Надеюсь, что вам здесь понравилось. Вы такие все красавицы и красавцы, все умницы. Мы желаем вам успехов. У нас сегодня в гостях большой друг нашей страны, большой друг России, глава индийского правительства, господин Моди. Давайте его поприветствуем. Индия активно развивает высокие технологии, у нее создано много интересных, перспективных центров развития, и мне очень хотелось показать нашему гостю, что делает в этом направлении Россия. Господин Моди, надеюсь, вам тоже у нас понравилось. Намери Митра. राष्ट्रपति पुतिन का हृदय से बहुत आभारी हूं कि मुझे आप जैसे सितारों से मिलने का अवसर दिया। Я хочу поблагодарить моего очень близкого друга, уважаемого президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, что у меня предоставалась возможность с вами встретиться и поговорить с вами. आमतौर पर स्कूल में एक एनवायरनमेंट होता है, जहां पर बच्चों के चेहरे पर बोझ नजर आता है, लेकिन यहां मैं देख रहा हूं कि हर किसी का चेहरा खिला हुआ है, हर किसी की आंख में सपने दिख रहे हैं और हर किसी को लग रहा है कि हम रशिया के लिए, मानव जात के लिए, आने वाले भविष्य के लिए कुछ न कुछ हम करने के ताकत रखते और करके रहेंगे।
Обычно, когда я вижу в школах, то я вижу печальные, трагичные лица. Но здесь я вижу очень активные, энергичные ребята. И ребята, которые намерены делать все усилия для того, чтобы внести свой вклад в развитие человечества в целом. И для России, конечно, для страны. И делать что-то особое. आप में से हिंदुस्तान जाने का मन करता है ऐसे कितने हैं? Сколько человек из вас хотят поехать в Индию? О! आप लोग भारत आने का कार्यक्रम अगर बनाएंगे और मैं चाहूंगा कि साल में एक बार यहां से एक ऑर्गेनाइज टूर भारत आए और जब भी भारत आए मैं खुद आपके साथ घंटे दो घंटे बिताऊंगा आपसे कुछ जानूंगा समझूंगा और भारत के बच्चों के साथ आपको मिलवाऊंगा Я хочу, чтобы вы тоже поехали в Индию, и мы сделаем какой-то официальный тур для вас. И когда вы приедете в Индию, то я лично с вами встречусь и обсужу разные вопросы с вами. Мы поговорим лично, и я обещаю, что если вы приедете, то у нас будет встреча ваша с школьниками Индии. आज मैं पूरा दिन मेरे मित्र के साथ था देश दुनिया की बातें हुई लेकिन जब आपके विषय में वो बातें करने लगे तो इतने इमोशनली इन्वॉल्व थे और शायद राष्ट्रपति पुतिन एक इंसान के रूप में क्या है वो अगर जानना है समझना है तो जब वो इस सीरियस के संबंध में बात करते हैं आप लोगों के संबंध में बात करते हैं तो उनकी आंखों में उनके सपने ये सब ऐसे दिख रहा है कि जो दुनिया सोचती है ये राष्ट्रपति पुतिन बिल्कुल ही अलग इंसान है Сегодня целый день у нас были переговоры с уважаемым господином президентом Российской Федерации. Мы поговорили о вопросах о оригинальных вопросах, о международных вопросах. Но когда мы поговорили о Сириусе, то у него было особое лицо. То есть, если вы хотите понять, какой он человек, то вы можете судить после того, как он говорит, как эмоционально он говорит об этом центре, о вас. И поэтому это отражает его характер. Как лидера страны, которая хочет, чтобы дети и школьники страны выросли и стали лидерами будущего. Агар аж мера яхан ана нахи хуа хота, то мэн мере митра ко сирф эк рашпати ке рупме декта, лекин аж бхитар се эк эсе инсан муже миле, ап лого ке каран. Мэн апко бадхай дета. Если бы я сюда не приехал сегодня, то я бы знал уважаемого Владимира Владимировича Путина как президента только. Но благодаря вам и благодаря тому, что я сюда приехал, я знаю, что у него особый эмоциональный характер, который отличает его от других. Мы апко бахот шубкамнай дета хун, Бхарат ане кле немантран дета хун, ор апка ужвал бхавиш रशिया के उज्जवल भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है और रशिया का उज्जवल भविष्य पूरे विश्व की शांति स्थिरता के लिए एक बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा करने वाला रशिया का भविष्य है मैं नई लुष्य पजलानी वाम и я приглашаю вас поехать в Индию и желаю вам яркого будущего потому что будущее страны связано с вашим будущим и будущее страны Это очень важно для того, чтобы обеспечить мир и стабильность во всем мире. Thank you, my friend, Rashtrapati Putin, कि आपने मुझे यहाँ इन बच्चों से मिलवाया और आप सबको भी पसीबा. Путин, вот господин премьер-министр.
сегодня целый день работали. И он сказал, как мы работали. Он сказал, что мы разговаривали целый день. Вот чтобы так работать, как мы, надо хорошо учиться. Удачи вам!